बाहर के लोग आके डरा रही, बोलती निकलो हमारा है रूम। महानगर पालिका कमिश्नर जो काम करना है वो काम नहीं कर रहे, जो आमदनी मिल रहा है वही काम कर रहे, जो गरीब का सुन रहा है नहीं वो गरीब का सुनना जो आपका करते हुए है। रोड नहीं है, नल नहीं है, 15-20 साल से रहते हैं हम लोग, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, पटरी के ऊपर से जाके पानी लाते हैं, कब ट्रेन आती कब मरते हमारे को कोई पता नहीं है, हमारी जान ऐसा ले पानी लाने जाते हैं तो ट्रेना के ट्रेना जाते रहते, कभी हम लोग मर सकते वो भी पता नहीं है। इतने सांपा आते हैं, पूछो मैं सांप बिच्छू आते हैं, 2-3 लोगों को काट भी लिए हैं और बोलते हैं सो वैसे में ही रहते। आज के दिन में 1 घंटा अगर लाइट नहीं रहने तो इंसान रहता क्या, देखो 15 साल से लाइट नहीं है, हम लोग कैसा रह रहे। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. हमारे कृष्णा कॉलोनी में कोई भी व्यवस्था नहीं है, पूरा रूम टूटे है, रोड नहीं है, नल नहीं है, 15-20 साल से रहते हैं हम लोग, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, पटरी के ऊपर से जाके पानी लाते हैं, कब ट्रेन आती कब मरते हमारे को कोई पता नहीं है, हमारी जान ऐसा ले पानी लाने जाते हैं तो ट्रेना के ट्रेना जाते रहते, कभी हम लोग मर सकते वो भी पता नहीं है। इतने सांपा आते हैं, पूछो मैं सांप बिच्छू आते हैं, 2-3 लोगों को काट भी लिए है और बोलते हैं सो वैसे में ही रहते। आज के दिन में 1 घंटा अगर लाइट नहीं रहने तो इंसान रहता क्या, देखो 15 साल से लाइट नहीं है, हम लोग कैसा रह रहे। हाँ हमारे को हक पेपर दे रहे नहीं, क्या भी नहीं, और डुप्लीकेट ला के बोल रहे निकल जाओ तुम घर से, तो हम किधर चले जाना बता दीजिए आप। हाँ और एक व्यवस्था है कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और बोलते हैं सो ना रोड सही है, कैसे रहने का हम लोग। और जो भी है देखो हमारे को कुछ भी है, हम मुद्दा उठा रहे हैं हमारे को ये घर होना, लाइट होना, नल होना, और बोलते हैं सो हर चीज़ की तकलीफ है हमारे को, और सब गरीब लोग हैं, सब ऐसा जोगा मांगने वाले हैं, चमचे बनाने वाले हैं, गड़िया गुड़िया बनाने वाले हैं, ज़्यादा कर को काम करने वाले, सब कुछ फैमिली वाले हैं। हाँ अब क्या बताएं हम तुम्हारे को, इतने गरीब लोग रहते हैं, हक पेपर नहीं है वहाँ पे, बाहर वाले आते डराते हैं और बोलते सो क्या करना हम लोग, किसको बोलना। हाँ कॉर्पोरेशन वाले नहीं आ रहे, बाहर के लोग आ रहे, आके डरा रही, बोलती निकलो हमारा है रूम, हम हक पेपर है, उन लोग को रूम रख के वो लोग रूम में रहते हैं, इधर आके हम लोग 20 साल से हम लोग रहते हैं, 10-12 साल से रहते हैं, कोई इतने सालों से रहते हैं, ना लाइट है ना नल है, उन लोग को उधर से आके डराते, अच्छे अच्छे घरा में रहते हैं वो लोग, हमारा है बोल के आते हैं, तो हम इतने साल से रह के कैसे खाली करना बता दीजिए। हाँ पेपर है बोलते, चुप डुप्लीकेट पेपर बना के ला रहे। हाँ तो ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे नल तो बिल्कुल नहीं है, आप आके देख सकते, कोई भी एक सर आके देख सकते हैं, वहाँ का पूरा सीन ले सकते हैं, ऐसा पटरी है और पटरी उंगल को जग गए तक, उधर सांपा बिछवा रहे थे और नल भी इतना लंबा है, उतने लंबे से पानी एक घड़ा लाना पड़ता है, मालूम है ना, हक पत्थर नहीं है, नल नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, रात को पूरा अंधेरा गुड़ो, सब दिया लगा के कोई मोमबत्ती लगा के रहते हैं। ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲೇಬೇಕು ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ आज जय कर्नाटक रक्षणा वेदी के तरफ से आज हम लोग जिलाधिकारी के कचहरी के सामने आज हम प्रतिभटने कर रहे हैं। प्रतिभटने करने का उद्देश्य क्या है बोले तो, हम 15-20 दिन से पहले हम लोग महानगर पालिके कारपोरेशन के सामने आज हम लोग प्रतिभटने कर रहे थे, वहाँ होराटा कर रहे थे। होराटने के बाद हमारा होराटा करने का उद्देश्य क्या है बोले तो, वहाँ का जो एसएम कृष्णा आश्रय कॉलोनी का जो प्रॉब्लम है, वहाँ जो 8 साल 10 साल 15-12 साल से लोग हैं वहाँ पे जीते हैं, वहाँ पे लोग को पानी होना और पानी लाने के लिए और 1 किलोमीटर और वो रेलवे का पटरी पार करके वो लोग एक मटा में जाके पानी लाना है, तो कभी भी ट्रेन आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम लोग महानगर पालिका कमिश्नर को बोले थे साहब वहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है और लाइट का प्रॉब्लम है। आज जमाने में 1 घंटा लेट रहने रहे तो 10 बार केबी को फ़ोन करते, वो लोग 8 साल से 9-10 साल से अंधेरे में है, वो सांप का एक प्रॉब्लम और वहाँ का 3-4 लोगों को सांप काटे सो है, उसके अंदर क्या है बच्चे लोग का वो कोई भी डुप्लीकेट हक पत्र लेके आके वहाँ हमारा घर है छोड़ो, हमारा घर है छोड़ो बोलते हैं, और महानगर पालिका के कमिश्नर को साहब को हम जाके मिले तो कमिश्नर साहब बोलते हैं ये हमारे को जो हम टेंडर दिए थे घर बांधने को, टेंडर वाले हमारे को घर ही नहीं दिया बोल के बोलते। हाँ महानगर पालिका कमिश्नर जो काम करना है वो काम नहीं कर रहे, जो आमदनी मिल रहा है वही काम कर रहे, जो गरीब का सुन रहा है नहीं वो गरीब का सुनना जो आपका करते हुए है, आप जाके वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करे सो है, आपको बोले सो है साहब वो घर किसका है, वो हक पत्र किसका है, आप इंक्वायरी करिए, आपका घर में वो घर का इंक्वायरी करेंगे तो मिनिमम
90% में मिनिमम 70% अमीर लोगों का घर आता है उसके अंदर, गरीब लोग कहाँ रहना। एक जो एसएम कृष्णा आश्रय कॉलोनी में लोग है वो लोग गरीब लोग है, जो राणेशपीर के पास भीख मांगने खाने वाले, जिसके घर पहुंचे घर के जीने वाले है, वहाँ अलग अलग वाले है, घर का किराया बांधना छोड़ो, एक एक दिन का खाना नहीं मिलता, ऐसा लोग को तुम लोग घर देना बोल के गवर्नमेंट का रूल्स है। ये किसका रूल्स है? गवर्नमेंट का रूल्स है। जो आश्रय घर का नाम आश्रय योजना ही है, जो रास्ते के ऊपर रहता है किसको घर नहीं रहता उसको घर देने के जैसे घर देना बोल के आपका रूल्स है। आप छोड़ के जो पैसा देते हैं अमीर लोगों को बार बार घर बनाएंगे तो आपका आप कहाँ है, कहाँ आप देश छोड़ के कहाँ जाए, देश वाले को कितना लोग तुम लोग परेशान कर रहे। इसीलिए महानगर पालिका का कमिश्नर को मैं विनंती करता हूँ, आप जोड़िए, आपको भी घर वाले है, आपको भी जरा सोचने की काम है, गरीब कौन है कौन नहीं है आप सोचिए। आप सोच के जो गरीब लोग हैं यहाँ पे बैठे सो है, आपको बोले पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, स्विच का सांप काटे है, वहाँ रोड का प्रॉब्लम है, वो सब आपको सॉल्व करिए। इसीलिए वो लोग महानगर पालिके का महानगर मेयर को भी मिले थे, मेयर साहब ने उनकी इमल्टी हमारे को जितने कौन संबंध अधिकारी को फ़ोन करके बोले, पानी वाले को फ़ोन करके बोले पानी उसको टैंकी से पानी डालो बोल के, और लाइट वाले को बुला के बोले लाइट वाले को बोलो, सब मेयर साहब बोलने के बाद भी वो लोग अभी तक ये काम नहीं करे, और कमिश्नर कॉर्पोरेशन वाले एक भी आके नहीं पूछे, और कमिश्नर साहब ने नोटिस भेजते लोग को, आप फिल्टर बेड आश्रय कॉलोनी में नोटिस भेजे वो घर खाली करो बोल के, पहले कमिश्नर को घर नोटिस भेजने से इम्पोर्टेंट नहीं है, घर किसको सिलेक्शन हुआ और किसको सिलेक्शन हुआ बोल के वो पहले इंक्वायरी करो बोलो, इंक्वायरी करने के बाद बात करो बोलो। बड़े 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 लोग को श्रीमंत लोग को घर होने से हुए सो है, वो लिस्ट भी हमारा पास है, और कमिश्नर क्या करते हैं देखेंगे, और हमारा लिस्ट जो है हम भी एक बार वो भी हम लोग के सामने रखेंगे। और इसीलिए आज वो महानगर पालिका के लोग कमिश्नर वहाँ के अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे, और वहाँ का हमारा बेडिका भी नहीं करे, पानी का सहूलत नहीं करे, रोड नहीं करे, कोई लाइट नहीं डाले। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी के सामने इतना बड़ी लोग बहुत गरीब लोग का मैं आज होराटा कर रहा हूँ। अब अंदर जाके कमिश्नर मैडम से मिलूंगा, उले के बारे में लोग ही मैं बात नहीं करूंगा, ये लोग ही जितना उन लोग का प्रॉब्लम है वो लोग बात करेंगे। वो मैडम को मैं विनंती करता हूँ, इन लोग को तरफ से जितना जल्दी होता उतना जल्दी वो लोग को अभी का अभी वो महानगर पालिका कमिश्नर ने तो संबंधपट्ट अधिकारी को लिख के देना, और वो फ़ोन करके बोलना जितना जल्दी होता उतना जल्दी पानी रोड और हमारे को नाली का काम और रास्ते का काम करके देना, और उन लोग को जो हक पत्र जो दूसरे को दिया है वो इंक्वायरी करके जो जो अमीर लोग है वो लोग पूरा कट करके ये लोग को देना बोल के हमारा एक विनती है। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute.